नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू का हलवा बनाना बताऊंगी, जो आप किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। जैसे कि शिवरात्रि का व्रत कल आ रहा है, उसमें भी बनाकर खा सकते हैं। महीने में दो बार एकादशी आती है, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप उसमें भी बनाकर खा सकते हैं। नवरात्रे भी आ रहे हैं, उसमें भी आप बनाकर खाएं। जैसे किसी व्रत में आपको नमक एक टाइम खाना है और कुछ खाने को मन कर रहा है, घर में आलू तो होते ही हैं, देसी घी भी होता है, तो आप आलू का हलवा बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आलू का हलवा। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं। मैंने दो बड़े आलू लिए हैं, इन्हें मैं कद्दूकस कर लूंगी। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब गैस ऑन करके उसके ऊपर पैन रखेंगे, या जिसमें आपको हलवा बनाना है वो रखें, कढ़ाई या फ्राई पैन, जो भी रखना हो। मैं नॉनस्टिक में बनाऊंगी। नॉनस्टिक में बनाना इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ये आलू जो है चिपकेगा नहीं। अगर आप एल्युमिनियम की कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको आलू जब चिपक जाएगा तो उतारना पड़ेगा, लेकिन उसमें अगर आप घी ज़्यादा डालकर बनाएंगे तो भी वो बड़ी आसानी से उतर जाएगा। फिर मैं पैन में डालूंगी एक बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी की क्वांटिटी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जब इसके अंदर हम आलू डालेंगे हमें लगेगा कि घी कम है तो हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे। फिर इसमें डाल देंगे आलू। और इसको हम चलाएंगे। इस आलू के हलवे को मैं मीडियम फ्लेम पर बनाऊंगी। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये हल्का हल्का ब्राउन ना दिखने लग जाए। हमें इन आलूओं को ऐसे ही भूनना है। ये देखिए, आलू अच्छे से भून गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। और ये देखिए, जब हम इन्हें इकट्ठा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से इकट्ठा हो रहा है। अगर आप नॉनस्टिक में बना रहे हैं, आपको लगे कि घी ज़्यादा हो गया, आप इस तरीके से पैन को थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो सारा घी एक तरफ आ जाएगा, आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच चीनी। अगर चीनी आप ज़्यादा खाते हैं तो चीनी आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। फिर मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएंगे। चीनी भी अच्छे से घुल गई है। जब इसमें चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल जाए, फिर हम इस हलवे में डालेंगे आधा कप दूध। और इसे चलाएंगे। दूध डालने से हलवा है जो बहुत ही टेस्टी बनेगा, उसका टेस्ट कुछ अलग सा ही आएगा। दूध डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाना है। ये देखिए, ये आप देखेंगे कि हलवा जो है उसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है। ये देखिए, अब गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। तो ये आलू का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे शिवरात्रि पर या किसी भी व्रत में बनाकर खाएं और भोग लगाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।